गोरखनाथ मंदिर में 22 जनवरी को, अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मभूमि में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में श्री राम दरबार की प्रतिमा के समक्ष की गई पूजा अर्चना, कलश का किया गया स्थापना। आईटीएम गीडा के छात्रों ने बनाया महिला शक्ति सेफ्टी जैकेट, असामाजिक तत्वों से भी करेगा महिलाओं की रक्षा। मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का मनाया गया प्रकाश पर्व, कीर्तन का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा कि मंदिर बनने से हम लोग हैं बहुत खुश, हमारे पुरखों के 500 वर्षों के संघर्ष का मिलने जा रहा है फल। राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बाला साहेब ठाकरे सहित अन्य लोगों के लिए भारत रत्न देने की मांग। गोरखपुर में बड़हालगंज नगर पंचायत के सरयू नदी तट पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय रामकथा बुधवार से हुई शुरू। पुलिस के आला अधिकारियों ने कथा स्थल का किया निरीक्षण, सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ी संख्या में पुलिस बल की गई तैनाती। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए महानगर में भगवान राम के नागरिकों के द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, स्कूली बच्चों ने भी लिया भाग, लगाए जय श्री राम के नारे। नगर निगम स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम का DIG ने किया निरीक्षण, कहा ITMS में लगाए गए कैमरे की बढ़ाई जाएगी मेमोरी, अधिक स्पीड से चलने वाले वाहन चालकों का ज्यादा शुल्क में किया जाएगा चालान। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गोरखपुर में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे यहीं पर चल रहा हो महाकुंभ, भारत में फिर से आ गया है रामराज्य। फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार भाजपा 400 पार। सहजनवा के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप शुक्ला ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को दीवार लेखन कार्यक्रम में लिया भाग। गोरखपुर में पेंडिंग केस के निस्तारण को लेकर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिखाई गंभीरता, साल 2023 के पेंडिंग केस के निस्तारण को लेकर मातहतों को दिए सख्त दिशा निर्देश, व्हाट्सएप के जरिए प्रतिदिन पेंडिंग केस की जाएगी समीक्षा।